गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 8 इन साइंस. दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. जैसे कि हम नाम ही पढ़ रहे हैं चैप्टर का, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इफ़ यू ब्रेक द वर्ड तो दो वर्ड बनते हैं इसके, माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? कोई बहुत छोटी चीज़ को माइक्रो बोलते हैं. एंड ऑर्गेनिजम्स मतलब कोई लिविंग चीज, लिविंग बींग को ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स. इसके आगे चैप्टर में क्या लिखा है? फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड मतलब दोस्त एंड फो मतलब दुश्मन या एनिमी. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे फ्रेंडली होते हैं, हमारा फायदा करते हैं, एंड फो यानी कि हमारा नुकसान करते हैं, कुछ हमें उनसे प्रॉब्लम होती है. इन डिटेल पढ़ने के लिए लेट्स मूव अहेड. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या है? दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैनॉट सी विद नेकेड आइज. मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं. हम नॉर्मली अपने आइज में कोई एड जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास या इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसके नीचे से ही उन्हें मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं. हम नॉर्मली क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ब्रेड जब कभी पुरानी हो जाती है या मॉनसून जब बारिश का मौसम होता है तो उसमें ऐसे ग्रीन कलर के पैचेस होने लग जाते हैं. नाउ जब ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखते हैं तो हमें दिखता है कि इसके अंदर ये ग्रे कवर्ड पैचेस होते हैं. दीज ग्रे कवर्ड पैचेस आर ऑल्सो ग्रीन और ग्रे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसका नाम है फंगाई. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और पढ़ने के लिए देर आर टू एक्टिविटीज जिससे कि हम समझेंगे. फर्स्ट में हमें मॉइस्ट सॉइल जमीन से कलेक्ट करनी है और बीकर में डालना है और उसमें पानी मिक्स करना है ऐसे. उसके बाद उसकी मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है एंड उसके ऊपर वाले पार्टिकल से हम एक स्लाइड में माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ पे एक कांच की पतली सी स्ट्रिप जैसी उसमें एक ड्रॉप डालेंगे एंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे. जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स नजर आते हैं उसके अंदर जो हमें नॉर्मली इफ यू सी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो दे लुक समथिंग लाइक दिस. सिमिलरली जो आपकी एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक 1.2 है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, कोई पॉन्ड या फिर लेक से थोड़े ड्रॉप्स ऑफ वाटर. सिमिलरली एक स्ट्रिप ऑफ कांच की जैसी स्ट्रिप होती है उसमें एक ड्रॉप डालनी है और ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ऐसे हमें अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं. सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व इन दीज टू एक्टिविटीज? वाटर यानी कि पानी और सॉइल दोनों में ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड नॉर्मली जब हम पानी को देखते हैं पॉन्ड के या फिर मिट्टी वाला पानी तो हमें नहीं दिखता है. इट इज ओनली सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप लाइक दिस क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा होता है. नाउ जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका भी क्लासिफिकेशन होता है इनटू फोर मेजर ग्रुप्स. चार टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. ये चार टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनमें से एक जो हमने ब्रेड में देखा था दैट इज फंगाई. इसके अलावा ऑन द सेकेंड पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक यहाँ पे अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम्स एंड उनके डायग्राम्स हैं. प्लीज गो थ्रू दिस. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वायरसेस के बारे में रिसेंटली कुछ महीनों से हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं अबाउट द कोरोना वायरस, बट वायरस एग्जैक्टली होता क्या है? वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिख सकता है. नॉर्मली विद आर आईज हम नहीं देख सकते क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वायरस, ऐसे वो दिखने में होते हैं.
Viruses reproduce only inside the cells of host organisms, which may be bacterium, plant or animal. Now, जैसे कि हमने if we take the example of the coronavirus, हमें पता है कि एक बारी वो body के अंदर आ जाता है किसी human के, तो वो जल्दी जल्दी multiply करने लग जाता है. या फिर in the case of coronavirus, एक human being से दूसरे human being में भी वो travel करते हैं. So, ये अपने number में बढ़ते हैं, यानि कि reproduce करते हैं किसी और organism के cells के अंदर जाके. नाउ वायरसेस का एक डिजीज हमने नोवल कोरोना वायरस डिजीज या COVID-19 के बारे में बहुत सुना है. उसके अलावा जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा, दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस. एंड दो और डिजीजेस होती हैं, फर्स्टली चिकन पॉक्स, जिसमें ऐसे मार्क्स आ जाते हैं ऑन द बॉडी एंड फीवर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इट टेक्स मेडिकेशन लगती है और कुछ दिन में इट क्योर्स. इसके अलावा एक डिजीज होती है पोलियो, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज आ जाती है हाथों में पैरों में, एंड इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. नाउ इफ यू रिमेम्बर, हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. फो मतलब की एनिमी. नाउ सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक दीज वायरसेस विच आर हार्मफुल फॉर अस, जो हमारा नुकसान करते हैं, इनको हम उन फो यानी कि एनिमी की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं. देर आर अदर डिजीजेस जैसे कि डिसेंट्री एंड मलेरिया या टाइफॉइड एंड टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस. दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरियाज. ये भी अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और हमें प्रॉब्लम होती है. सो ये अगेन फो की कैटेगरी में आएंगे. नाउ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्यूलर. सिंगल सेल मतलब वो एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ टाइप के एल्गे या प्रोटोजोआ, ये अलग टाइप्स हैं उनके. या मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, जैसे कि फंगाई जो कि हमने ब्रेड में देखा था, या एल्गे. इनमें से कुछ होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा, वो किसी और की बॉडी में चले जाते हैं एंड रिप्रोड्यूस यानी कि मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं. सो दिस इज बैक्टीरिया एंड फंगाई. एंड कुछ होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनको किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स में रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे भी दे कैन लिव. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, उसका डायग्राम यहाँ पे है. Now, these organisms live all around us. They are in water, they are in soil, hot spring, ice, ocean, atmosphere. हर जगह, ठंडी से ठंडी जगह, गर्म से गर्म जगह, wet से जितनी भी ज़्यादा wet हो या कितनी भी dry हो, ये organisms they can live very easily. They are on everything we touch, our skin and clothes, everywhere. तो they are present everywhere. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैन. नाउ देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं एंड उससे हमें अलग अलग टाइप की बीमारियां भी हो सकती हैं. बट सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर अस, मतलब वो हमारा फायदा भी करते हैं एंड हम ह्यूमंस इनका यूज कर सकते हैं. नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? इट इज यूज इन फूड, जैसे कि कर्ड बनाने में, अचार पिकल्स बनाने में, चीज बनाने में, केक्स बनाने में या ब्रेड्स बनाने में. इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट. हमने डीकम्पोजर्स के बारे में देखा था, जैसे कोई एनिमल मर जाता है एंड अगर वो मिट्टी में ही पड़ा है, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाता है. क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. इसके अलावा वो मेडिसिन्स में भी होते हैं एंड एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग. जो एयर में नाइट्रोजन होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, लेकिन प्लांट उसे उस फॉर्म में नहीं यूज कर पाता है. सो व्हाट डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू? ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं ताकि ये प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर पाए अच्छी ग्रोथ के लिए. सो दीज वर गुड यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने देखा था.
एंड इसके अलावा जो एक बहुत कॉमनली आप अपने घर में भी देखा होगा, कर्ड जैसे बनाते हैं या फिर जैसे ब्रेड बनती है, इसमें भी हम यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. लेट्स स्टडी कि कर्ड जो दही होता है वो आपको पता होगा कि दूध से बनता है, लेकिन दूध बहुत थिन होता है एंड कर्ड थोड़ा थिक होता है. तो ये कैसे, हाउ डज दिस मिल्क टर्न इंटू कर्ड? ये एक बैक्टीरिया से होता है एंड इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. स्पेशली स्पेशली इन सब ऑर्गेनिजम्स में से एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबिसिलिस. ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. जब ये मल्टीप्लाई करता है मिल्क के अंदर तो मिल्क स्टार्ट्स टर्निंग इनटू कर्ड. इसीलिए आपने देखा होगा यही बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से जो भटूरा होता है या रवा इडलीज होती हैं इसमें कर्ड का यूज़ किया जाता है सो दैट फर्मेंटेशन अच्छे से हो बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया. सिमिलरली अनदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड इज इन ब्रेड. ये आपकी एक्टिविटी 1.3 भी है. इसमें फ्लार मतलब कि आटा या मैदा, सम शुगर एंड वॉर्म वाटर को ऐड करना है और उसमें यीस्ट पाउडर ऐड करना है और उस आटे को गूंदना है. अब ये यीस्ट यहाँ पे, दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वी यूज जिसकी वजह से एक ब्रेड अच्छे से बन पाती है. यीस्ट क्या करता है, जो डो होता है, आटा होता है, वो इफ़ यू सी यहाँ पे बैठा हुआ है और इधर फूल गया है. अब एक बारी हम जब यीस्ट डाल के आटा गूंद के रखते हैं थोड़ी देर तो वो ऐसे फूल जाता है. कैसे? बिकॉज यीस्ट रैपिडली प्रोड्यूसेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन रेस्पिरेशन. मतलब वो अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता रहता है और ये आटा ऐसे फूल जाता है. फूलता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बबल्स ऑफ गैस फॉर्म होने लग जाते हैं और इसका वॉल्यूम धीरे धीरे पूरे मोल्ड में ऐसे ये स्प्रेड हो जाता है. सो दिस इज अनदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड एंड ये केक्स में भी यूज होता है, पेस्ट्रीज में भी यूज होता है. सो इन टुडेज लेसन वी हैव लर्नड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड. आई वुड वॉन्ट कि आप लोग पेज 1 एंड पेज 3 की रीडिंग करें एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. थैंक यू.